नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। रूस के मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हो रही है। इस बैठक में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शिरकत कर रहे हैं। इस बैठक में भारत और रूस के अलावा चीन के रक्षा मंत्री भी भाग ले रहे हैं। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधन किया। संबोधन में बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान पर निशाना साधा। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आतंकवाद की सभी रूपों और इसके समर्थकों की निंदा करता है। राजनाथ सिंह ने चीन का नाम लिए बिना कहा कि शांतिपूर्ण, स्थिर और सुरक्षित SCO क्षेत्र के लिए जरूरी है कि सदस्यों के बीच एक दूसरे के प्रति गैर आक्रामकता का परिचय दिया जाए। हाल ही के समय में चीन की तेज होती सैन्य गतिविधियों का निशाना साधते हुए राजनाथ ने साफ किया कि एक दूसरे के प्रति विश्वास, गैर आक्रामकता और संवेदनशीलता का माहौल SCO क्षेत्र की शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा से निपटने के लिए और कट्टरवाद को खत्म करने के लिए एंटी टेरर मैकेनिज्म को अपनाया जाना बड़ा फैसला है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी ने हमें बहुत बड़ी सीख दी है। इससे मानव जाति को मतभेदों को भुलाने के साथ ही प्रकृति की शक्ति को कमतर न आंकने को लेकर भी आग्रह किया है। कोरोना महामारी दुनिया में सबसे पहले चीन के वुहान से शुरू हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर दुनिया भर के कई नेता कोरोना महामारी को फैलने देने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। इस बयान के जरिए राजनाथ सिंह का निशाना चीन पर भी था, जो प्रकृति के साथ कोई भी खिलवाड़ करने से बाज नहीं आता है। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।